दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। दो और कोरोना संक्रमितों की मौत, नेरचौक कोविड अस्पताल में तोड़ा दम। नई पाबंदियों पर उखड़े निजी बस ऑपरेटर, सवारियां न मिलने से परेशान। पशुओं को बेसहारा छोड़ने से बाज नहीं आ रहे लोग, किसानों की फसलों को कर रहे तबाह। सूचना ना होने पर कंटेनमेंट जोन में खरीदारी करते रहे ग्राहक, बढ़ गए 16 नए कोरोना केस। कोविड अस्पताल नेरचौक में दो और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इनमें से एक मंडी और दूसरा हमीरपुर जिला से संबंधित है। मंडी जिला के बल उपमंडल के कुम्मी क्षेत्र के 65 वर्षीय व्यक्ति की शनिवार रात को 8:30 बजे के करीब यहां मौत हुई है। इन्हें 20 अप्रैल को उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था। नेरचौक अस्पताल में दूसरी मौत हमीरपुर जिला के सुजानपुर तहसील के रांगर क्षेत्र की 58 वर्षीय महिला की हुई है। इन्हें DCHC हमीरपुर से रेफर करने के बाद यहां 22 तारीख को उपचार के लिए भर्ती किया गया था और शनिवार रात को 9 बजे इनकी यहां मौत हो गई। वहीं मंडी जिला में शनिवार को 242 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। हिमाचल सरकार द्वारा कोरोना चेन को तोड़ने को लेकर लगाई गई नई पाबंदियां और वीकेंड को लेकर निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने रोष जाहिर किया है। यूनियन के जिला अध्यक्ष गुलशन दीवान की माने तो प्रदेश सरकार ने 50% सवारियों के साथ बसों को चलाने का आदेश दिया है, जिसके चलते बस ऑपरेटरों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गुलशन दीवान ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर निजी बस ऑपरेटरों की मांगे पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में निजी बस ऑपरेटर यूनियन चक्का जाम या बसों को खड़ा करके स्ट्राइक करने को मजबूर होगी। गुलशन दीवान, जिला अध्यक्ष, निजी बस ऑपरेटर यूनियन मंडी। जो भी है 50% एकोपेंसी की सरकार ने, तो हमारी जो एक्चुअल एकोपेंसी चल रही है 20-25% के करीब चल रही है, जिससे हमारे डीजल खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे हैं। ना ही हम अपने स्टाफ को तनख्वाह देने के काबिल है, ना ही हम जो भी है गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। तो हम तो यही देख रहे हैं भाई, या तो पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया जाए। हम अपनी बसें जो भी है, आज हमारी स्टेट की मीटिंग है चल रही है इस वक्त ऑनलाइन, तो हम स्ट्राइक पूर्ण रूप से चक्का जाम कर देंगे जब तक सरकार हमारी मांगे ना मांगी मानेगी। क्योंकि 25 जून 2020 को कैबिनेट में मीटिंग में इन्होंने फैसला लिया था, हमें 2 लाख रुपया कार्यशील पूंजी देने की घोषणा की थी, जो आज तक हमें 1 रुपया भी नहीं मिली। और ना ही हम टैक्स दे सकते हैं, ना ही देने की स्थिति में है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो हम जल्द ही चक्का जाम करने की घोषणा कर देंगे अगले सप्ताह। अब इस वक्त हमारी जो भी है 470 बसें जिला मंडी में रूट है, उसमें से आज की डेट में कोई 120 के लगभग जिला मंडी की और अन्य जिलों की है जो भी है 40 के लगभग, मतलब 160-170 बसों के करीब मतलब चल रही है आज मंडी में। तो हम जल्द ही अपनी बसें खड़ी करने जा रहे हैं। तो पूर्ण रूप से हमारा जो भी है सर स्पेशल रूट टैक्स है वो माफ़ होना चाहिए, टोकन टैक्स, अड्डा पर्ची और कार्यशील पूंजी। हमारी इस वक्त कम से कम 220 बसें जिला मंडी की बिना इंश्योरेंस, टायर ख़त्म हो चुके हैं, इंजन वगैरह हालत ख़राब है, कम से कम उनके ऊपर 2-2.5-3 लाख रुपया खर्चा आएगा। जब सकते करेगी सरकार, हम गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं। सोलन जिला में 24 से 30 अप्रैल के बीच 929 शादियां होंगी। शनिवार से शादियों का सिलसिला शुरू हो गया है। गौर रहे कि प्रशासन द्वारा कोविड-19 के पोर्टल को मद्देनजर रखते हुए इजाजत दी गई है। वहीं सोलन में हो रही शादी के दौरान एक दुल्हन ने बताया कि उन्होंने शादी काफी धूमधाम से करनी थी, लेकिन कोरोना के चलते उन्होंने स्थिति को देखते हुए नियमों का पालन किया है। वह सभी ने मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया है। नमस्ते, मेरा नाम अंजलि है, आज मेरी मैरिज है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना कितना बढ़ रहा है, तो इसके बढ़ते उसमें हमने मैरिज में अपने सोशल डिस्टेंसिंग और सारी गाइडलाइंस को देखते हुए सैनिटाइजर मास्क का उपयोग करके हमने सारी सुविधा अरेंज की है। जैसे कि आप जानते हैं कि क्या कहते हैं महामारी कितनी बढ़ रही है, तो अपना ख्याल रखें और सेफ रहे। भरमौर विकास खंड की गान पंचायत में बेसहारा पशुओं ने ग्रामीणों के लिए दिक्कतें खड़ी कर दी हैं। शनिवार रात्रि भी कोई अज्ञात व्यक्ति पंचायत में 5-6 गायों को छोड़ गया।
इन गांवों ने खेती में खड़ी फसल को तबाह करना आरंभ कर दिया है। गान पंचायत के उप प्रधान काका ठाकुर ने बताया कि बेसहारा पशुओं ने इलाके में आतंक मचा कर रख दिया है। उन्होंने प्रशासन से गांवों को छोड़ने वाले लोगों का पता लगाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने की मांग भी उठाई है। नमस्कार, मैं ग्राम पंचायत गान का उप प्रधान काका ठाकुर। मेरी पंचायत में कोई 5-6 गाय जो है वो लावास छोड़ गया और वो मैंने देखा भी नहीं जो किसने छोड़ी, परंतु मेरी सरकार से निवेदन है कि उसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि जो गाय है वो हमें बहुत दिक्कत दे रही है। परंतु हमारा जो गाँव पड़ता है उस गाँव का नाम है अननहर, अननहर में जो है वो गाय जो है वो छोड़ गई है। इसलिए मेरी सरकार से निवेदन है कि उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। बिलासपुर जिला के घुमारवी उपमंडल के ग्राम पंचायत डंगार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इसके चलते डंगार चौक में एक कोरोना पॉजिटिव केस आने पर बाजार 50 मीटर के कंटेनमेंट जोन दायरे में बंद करवाने में स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन असमर्थ रहा। इस कारण बाजार में ग्राहक खरीदारी करते रहे, जिससे संक्रमण बढ़ने से आज 16 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। बाजार में लगभग 250 दुकानें होने के कारण करीब 50 दुकानें कंटेनमेंट जोन में आने के कारण अन्य दुकानदारों व ग्राहकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।